बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। दोस्तों, एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि जो नादरा की आप लोगों को सर्विस हासिल करना चाहते हैं, आप लोग नादरा में जाते हैं, वहाँ पे लाइनों में लगते हैं, आप लोगों का टाइम ज़ाया होता है, आप लोगों को दुश्वारी का सामना करना पड़ता है वहाँ पर नादरा ऑफिस में। तो नादरा की जो भी सर्विस हैं, बहुत सारी सर्विस जो हैं वो आप लोग घर बैठे हासिल कर सकते हैं, जिसको हम बोलेंगे भाई ऑनलाइन। आप लोग ये सर्विसेज जो हैं वो ऑनलाइन भी हासिल कर सकते हैं। तो इस हवाले से यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आज की जो ट्वीट है उसके बारे में आप लोगों के साथ एक इन्फॉर्मेशन भी शेयर कर रहा हूँ। और जो ये एक एप्लीकेशन है नादरा वालों की, पाक आईडी जिसके नाम पे ये एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन से आप लोग बहुत सारी चीज़ें घर बैठे ऑनलाइन हासिल कर सकते हैं। कार्ड रीन्यू करना चाहते हैं तो आप लोग अपने घर बैठे अपना NIC कार्ड जो है वो रीन्यू कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। नादरा ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है, फिंगर भी आप लोग घर दे सकते हैं। अगर आप लोग FRC यानी फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट निकलवाना चाहते हैं तो भी आप लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर आप लोग कोई भी अपने कार्ड में मॉडिफिकेशन कोई चेंजिंग करना चाहते हैं तो भी आप लोग यहाँ इस पाक आईडी की एप्लीकेशन से कर सकते हैं। अगर मेरिट से अनमेरिट से अगर आप लोग मेरिट का स्टेटस जो है आप लोग चेंज करवा रहे हैं तो भी आप लोग इसमें ऑनलाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आप लोगों को इन्फॉर्मेशन इसलिए देनी थी कि बहुत भाइयों को अभी तक भी पता नहीं चली है कि ये ऑनलाइन सर्विसेज जो है आप लोग घर बैठे हासिल कर सकते हैं। ये पाक आइडेंटी जो आप देख सकते हो यहाँ पे, ये स्मार्ट कार्ड जो है, पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड है, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, कार्ड की मनसूखी, अगर आप लोगों का कार्ड गुम हो चुका है या आप लोग उसको ख़त्म करना चाहते हैं, मनसूख करना चाहते हैं, तो भी आप लोग वेबसाइट के थ्रू भी कर सकते हैं। और आप लोग एप्लीकेशन जो पाक आईडी जो है एप्लीकेशन है जो कि आप लोगों को मिलेगी वहाँ प्ले स्टोर में, वो आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके उसमें आप लोगों को अकाउंट बनाना पड़ेगा। अकाउंट बनाएंगे तो आप लोग वहाँ पे लॉगिन होने के बाद अपनी जो भी सर्विस लेना चाहें वो ले सकते हैं। आप लोग अपने फिंगर भी यहाँ पे दे सकते हैं, अपना सिग्नेचर जो है वो भी आप लोग यहाँ पे दे सकते हैं ऑनलाइन। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये चीज़ें हैं, आहिस्ता आहिस्ता ये अपडेट होती जा रही हैं। ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं, पेमेंट के लिए आप लोगों को ना बैंक जाने की ज़रूरत है, ना बाहर किसी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत है। पासपोर्ट के ज़रिए से भी बताया था, पासपोर्ट भी आप लोग घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं, लेकिन नादरा की ये सर्विस जो है आप लोग घर बैठे ऑनलाइन हासिल कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। किसी को भी अगर आप लोग खुद नहीं बना सकते हैं, कोई भी आप लोगों का अगर एजुकेटेड बंदा है, फैमिली मेंबर है, उससे आप लोग बना सकते हैं घर बैठे, घर में अगर आप लोगों का भाई है, कज़न है, और अगर आप लोग नहीं बना सकते तो आप लोग हमसे भी रابطہ कर सकते हैं, हम भी आप लोगों को ये कार्ड बना के देंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में भी आप लोगों को मैं अगर कोई मुझे कार्ड बनाना पड़ा तो मैं आप लोगों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर करूंगा। तो ये बस जो सर्विस थी आप लोगों को बताना था कि ये सर्विस जो है आप लोग खुद घर बैठे भी ऑनलाइन कर सकते हैं। कार्ड रीन्यू करने के लिए अगर आप लोगों का कार्ड एक्सपायर हो चुका है तो आप लोग जो स्मार्ट कार्ड हैं वो आप लोग अगर नया बनवाना चाहते हैं या रीन्यू करवाना चाहते हैं तो आप लोगों को यहाँ पे सर्विस जो है मिलेगी ऑनलाइन। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सवाल हो इस हवाले से, नादरा के हवाले से, पासपोर्ट के हवाले से, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, इंशाल्लाह रिप्लाई ज़रूर दे दूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।